नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो टाइप करते हैं और शायद डिलीट करते हैं, जो कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, हम ये चेक करेंगे आज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिल सकती है इस रीडिंग से। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। टाइम प्लीज। सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बात है, स्टेबिलिटी, एबॉन्डमेंट, गो आउटसाइड, रीचिंग आउट, ब्यूटिफुल, एंड टेक अ ब्रेक। दिख रहे हैं कार्ड्स? कैमरा ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों नहीं था? चलिए, लेट्स क्लेरिफाई। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ क्यों है डिवाइन? ओवरऑल इनकी एनर्जी में सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ओवरऑल एनर्जी में सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। More time, please. Sure. Sure. Okay. जस्टिस की एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि भले ही आपके साथ इनका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय भी करना चाहते हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, एक मूवमेंट भी चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि बार बार कांटेक्ट यही इनिशिएट करते हैं। सो कांटेक्ट नहीं, लेकिन इनकी तरफ से एक हिंट ज़रूर आपको आता होगा। जब सेपरेशन ख़त्म होने वाला होता है आप लोगों का, इनकी तरफ से एक हिंट आता होगा, उसके बाद आप एक्शन लेते होंगे हमेशा, या फिर आपको ब्लॉक करके रखते हैं, अनब्लॉक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, या फिर आपका स्टेटस चेक करते हैं, या फिर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये इनिशिएट करते हैं ये हमेशा इनके तरफ से होता है, और इस बार ये इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट में है, ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनका कहना ये है। सो ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है, ये आपके साथ जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं, एक एक रिकन्सलेशन, एक एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान खुद को रोक रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार यही झुक रहे हैं, बार बार यही इंसान चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आप दोनों के बीच की बातें हैं ये, आप जानते हैं बेहतर कि कौन इनिशिएट करता है कॉन्टैक्ट। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इनिशिएट करते हों, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ हैं जो कि इनिशिएट करते होंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये इनको इनका भ्रम है, इनको लग रहा है ऐसा, ठीक है। क्योंकि ये जो हिंट्स देते हैं आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि वही एक एक्शन है इनके लिए, ठीक है। सो इनको ज़रूर से एक कॉल मैसेज आपको करना है, इन ये बात करना चाहते हैं, ये मैसेज टाइप करते होंगे, डिलीट करते होंगे, कॉल करते होंगे, कट करते होंगे, ऐसी एनर्जी है, ब्लैंक कॉल करते होंगे, ठीक है। एक मूवमेंट, एक स्पीड ज़रूर चाहिए, एक पैशनेट एनर्जी ज़रूर चाहिए, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि हर बार एक्शन यही क्यों ले। सो इनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है
कि ये इंसान जो हैं इनकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और इसलिए ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट में इसको ईगो ये नहीं कह सकते हैं, या फिर आप इसको ईगो नहीं कह सकते हैं, ये इनके लिए इनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। सो जब ये बात होगी तो ये इंसान आपको बोलेंगे कि क्या मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, क्योंकि आपने कई बार ऐसा बोला होगा, या फिर आप इस बार ऐसा बोलोगे अगर, तो ये इंसान भी यही बोलेंगे कि तो क्या मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, ठीक है। तो बताइएगा मुझे कि किसके किसके पार्टनर ने ये बोला है। स्टेबिलिटी क्यों है डिवाइन यहाँ, फीलिंग्स में स्टेबिलिटी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ब्यूटिफुल, क्या बात है, नो टाइम प्लीज। देखिए कार्ड है ना, टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो रिवर्स में आई थी, मैंने इसको सीधा किया है, ठीक है, ऐसे था ये कार्ड, रिवर्स में था। स्टेबिलिटी, इनको लग रहा है ना कि जो एक म्यूचुअल फीलिंग थी आप दोनों के बीच, भले ही इंसान इतना दिखाते नहीं थे अपनी फीलिंग्स को या फिर एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन एक म्यूचुअल फीलिंग्स थी पास्ट में आप दोनों के बीच में, और ये आपको भी पता है, इसलिए आप आज तक स्टक हो इस रिश्ते में, है ना। ये इंसान कभी आपसे बहुत प्यार करते थे, कभी आपको बहुत प्रायोरिटी में रखते थे, कभी इनकी टॉप प्रायोरिटी में आप होते थे, कभी आप कुछ बोलने से पहले ये समझ जाते थे, ऐसी भी एनर्जी रही थी इनकी। सो इनको ऐसा लगता है कि यू नो बहुत म्यूचुअल लव था आप दोनों का, एक जैसा ही प्यार था आप दोनों का, जितना प्यार ये आपसे करते थे उतना प्यार आप भी उनसे करते थे, लेकिन अब जो है स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में। इनको लग रहा है कि यू नो ये प्यार जो है इनकी तरफ से सिर्फ है, अब जो बचा कुचा है इनकी तरफ से है, आपकी तरफ से ये नहीं है, क्योंकि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है, बहुत एरोगेंट, बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, आप दोनों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और इसलिए आपने इनको कट ऑफ कर दिया। तो एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब फीलिंग्स जो हैं वो आपकी अब नहीं है, अब सिर्फ इनकी फीलिंग्स है आपकी नहीं है, और एक इनसिक्योर एनर्जी है, एक फियर की एनर्जी, एक लॉस की एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो बहुत प्यार होने के बावजूद भी इसलिए इंसान जो है आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना प्यार, ओके, ये आपसे यही कहना चाहते हैं। अबॉन्डमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, आपसे क्या चाहते हैं इंसान, आपसे ये चाहते हैं कि आप इनको कट ऑफ ना करें, आप इनको धोखा ना दें, इनको बिट्रे ना करें, आप इनको छोड़ के आप ना जाएं, ये आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। One more time, please. Sure. Okay. मैंने बोला ना अगेन, ठीक है। देखिए इनको ऐसा लगता है ना कि रिवर्स में कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा आप यू नो करेजियस हो गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वैसे इंसान नहीं हैं जो कि बहुत इमोशनली इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, या फिर एक लव केयर कंपैशन जो पहले आपकी एनर्जी थी वो अब नहीं है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो पैशन ख़त्म हो गया आपका इस रिश्ते में, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इस इंसान में, और आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब आप चेज नहीं कर रहे हैं उनको, ठीक है, आपने छोड़ दिया इनको, अकेला कर दिया इनको, इनको ऐसा लग रहा है। और अगेन एक फियर की एनर्जी है, एक लॉस की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान, अपना प्यार एक्सप्रेस करना ज़रूर चाहते हैं, और आपसे यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें। जो एक हैप्पी फैमिली जैसा आप थे पहले, अगर नहीं भी फैमिली है लेकिन फिर भी आप दोनों ही दूसरे के लिए काफ़ी थे, तो वो एक जो एनर्जी थी वो आप लेके आए फिर से इस रिश्ते में, अपना प्यार एक्सप्रेस करें, इस यू नो न्यू बिगनिंग करें इस इंसान के साथ। तो एक लॉस की एनर्जी, एक फियर की एनर्जी इनके अंदर है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको चेज करना छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया इनको, इनका साथ आपने छोड़ दिया है, आपने अपनी एनर्जी पूरी तरह से इनसे ले ली है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपने धोखा दिया, आपने चीटिंग की, आपने छोड़ दिया, आपने इनको तकलीफ दी, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। गो आउटसाइड का कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, गो आउटसाइड ऑब्स्टिकल में क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Talk to me, please. One more time, please. आप में से बहुत लोगों के पार्टनर का ना डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है।
डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी दिख रही है। ये इंसान है ना, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, एक रिकंसलेशन, एक पॉजिटिविटी ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ईगो, इनका एंगर, इनका डोमिनेंट एक बिहेवियर, माई वे और हाई वे वाली एक एनर्जी जो है इस रिश्ते में, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो की है ना, वो सब इनको ऑब्स्टिकल लग रही है अब। ठीक है, अब ये इंसान एक अकेले भी हैं और इनको कहीं सुकून नहीं मिल रही है, किसी और के साथ भी इनको खुशी नहीं मिलती है, अकेले में भी इनको खुशी नहीं मिलती है, अंदर रहते हैं घर के तभी भी खुशी नहीं मिलती है, बाहर जाते हैं तभी भी खुशी नहीं मिलती है, मतलब इनको सुकून नहीं है। ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं इंसान, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं इंसान, और ईगो के साथ अब डील नहीं करना चाहते हैं। इनको सब कुछ अब ऑब्स्टेकल लग रहा है, ना रीयूनियन इनको पॉसिबल लग रहा है, ना ये लग रहा है कि आपके साथ ये न्याय अब कर पाएंगे, ना आप इनको मौका दोगे अपने साथ न्याय करने का, और एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे, तो इनको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, सो इनको कहीं भी सुकून नहीं आ रहा है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ज़रूर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ये, इसलिए इतनी ज़्यादा एक पुल फील होती है, मैग्नेटिक पुल एक फील होती है, अलग होने के बावजूद भी आप बार बार खींचते हो इस इंसान से। ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ, क्योंकि द एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, तो यस, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, रीचिंग आउट क्यों है डिवाइन, यहाँ रीचिंग आउट जो है ना, रीचिंग आउट एक्शन में है, तो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है इस टाइम पे। प्लीज गाइड डिवाइन, रीचिंग आउट क्यों है यहाँ। ये इंसान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या तो किसी गुरु से, या फिर गुरु दीक्षा लिया है इन्होंने, या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स। ये इंसान ग्रो कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में एक इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इंसान जो है, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर, या किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित, पोप, किसी के पास ये इंसान गाइडेंस के लिए जा रहे हैं और कुछ स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब इस रिश्ते के बारे में आपकी इंपॉर्टेंस को ये इंसान समझ रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, रीचिंग आउट, ये इंसान जो है ना फाइट करने के लिए रेडी है इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ ये इंसान सीख रहे हैं और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और आपसे भी ये इंसान यही चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लगाएं, यही सब ये कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपसे भी यही कहना चाहते हैं इंसान कि कहीं ना कहीं आपको भी स्पिरिचुअल लेसन्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये यही कहना चाहते हैं आपसे, यही मैसेज देना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये इंसान अब मेंटेनेंस करने के लिए रेडी हैं, रेडी तो हैं लेकिन आएंगे कब, क्वेश्चन तो यही है। रेडी तो बहुत दिन से है ये इंसान, एक क्लैरिटी चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक क्लियरिटी चाहिए इनको। सो क्लियरिटी के लिए ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन अगर इस टाइम पे आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेशन। ठीक है, सो अगर बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की तरफ जब बात जा रही है, बात को चेंज कर दें, या फिर ज़्यादा उस चीज़ को खींचे ना, ताकि चीज़ें और ख़राब हो जाएँ। ठीक है, टेक अ ब्रेक यहाँ क्यों है डिवाइन, टेक अ ब्रेक यहाँ क्यों है, वन मोर टाइम प्लीज। टेक अ ब्रेक, ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये जो जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, देखिए ये इंसान बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये इंसान सोल सर्चिंग पे है अभी। जो एक पीरियड आपका था जब आप ये जानना चाहते थे कि क्यों आप इस इंसान से मिले हो, क्यों आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, क्यों इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, क्यों नहीं चाह के भी बार बार आप इसे इनसे जुड़ जाते हो, अब यही सारे क्वेश्चन का आंसर ये खोजते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो एक स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, और कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, किसी गुरु से, या फिर गुरु दीक्षा लिया है, या फिर कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं इंसान। ठीक है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ली होगी इन्होंने, कुछ ना कुछ ये ज़रूर इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है,
और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। यही सभी इंसान जो है आपसे बोलना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। जब आप बात करते हो आपकी वॉइस इनको बहुत पसंद है, ये रिलैक्स हो जाते हैं इंसान। आई विल वेट फॉर यू, ये इंसान वेट करते रहेंगे, ठीक है। पता नहीं कब तक वेट करते रहेंगे। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मैंने बोला ना कि बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं। अब अपने गिल्ट को हो, चाहे अपने ईगो को हो, चाहे जो भी है इनका, उसको ये इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। सो ये बोलना चाहते हैं आपसे कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं एक बार फिर से, और फिर से स्टार्ट करते हैं, यू नो, एज फ्रेंड कम से कम। आई विल फॉरगिव यू। तो ये इंसान देखिए आपको माफ़ करने के लिए भी रेडी है। कितने महान हैं देखिए आपके पर्सन। आप लोग बिना मतलब के अपने पर्सन को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ऐसे ही। माफ़ करने के लिए भी रेडी हैं आपको, गलती भी खुद ही करते हैं, माफ़ी भी खुद ही देते हैं। अमेजिंग है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो जो एक फ्रेंडशिप थी ना आप दोनों के बीच, वो भी इस इंसान ने खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम हाई हेलो, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, इतना भी बात कर पाते, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इनका कहना ये है, ठीक है। सो जैसे भी है, जो भी है ये इंसान, और फीलिंग्स जो है इनकी चेंज हो रही है, और यू नो मे भी इनको ऐसा लग रहा हो कि यू नो इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये क्यों बार बार इनिशिएट करें, या फिर आपकी एनर्जी देख के इनको लग रहा है कि आपके पास अगर आएँ तो आप इनको पता नहीं क्या बोलोगे, क्या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप पता नहीं कहाँ क्या कर दोगे। सो ये भी हो सकता है। सो हमें ऐसे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यस, इनकी फीलिंग्स ऐसी है आज की, आप यही से आपसे कहना चाहते हैं इंसान, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।